नमस्कार, मैं सुमंगल सिंह छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग से। उन्हें एक बार जनसरोकार मंच के इस कार्यक्रम में अपनी कविताओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि मेरी कविताएं आप पसंद करेंगे। निश्चित रूप से कविता की प्रासंगिकता जनमानस के लिए, समाज के लिए कितना सार्थक हो रहा है, इस पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत आरोप है कि कविता का दायरा बहुत सिमटता जा रहा है। हम रचनाकारों को इस पर विचार करना चाहिए। तो इसी संदर्भ को लेकर मैं अपनी पहली कविता आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक अधूरी कविता। मेरी कविता पूर्ण नहीं हो सकी, रह गई एक अधूरी कविता। मेरी कविता पूर्ण नहीं हो सकी, रह गई एक अधूरी कविता। इसे अभिव्यक्त करने के लिए शायद मेरे शब्द उतने समर्थवान नहीं थे। इसे अभिव्यक्त करने के लिए शायद मेरे शब्द उतने समर्थवान नहीं थे। अब भाव मुखरित नहीं हो सके, भाव मुखरित नहीं हो सके, जिससे मैं दुनिया भर की वेदना को इससे मैं दुनिया भर की वेदना को मानवीय संवेदना को अन्याय और शोषण को इस तरह के तमाम विसंगतियों को इस तरह के तमाम विसंगतियों को अभिव्यक्त कर सकूं। मेरे पास शब्द नहीं मेरे एक पूर्ण कविता। मेरे पास शब्द नहीं थे जिसे लिख सकूं एक पूर्ण कविता। रह गई एक अधूरी कविता, रह गई एक अधूरी कविता। इसे पूर्ण करने की कामना लिए, इसे पूर्ण करने की कामना लिए अश्वत्थामा सा छटपटाता रहा। इसे पूर्ण करने की कामना लिए अश्वत्थामा सा छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा। मेरे दिलो दिमाग में उभर आए गहरे घाव, मेरे दिलो दिमाग में उभर आए गहरे घाव। मैं अपने आप को धिक्कारता रहा, मैं अपने आप को धिक्कारता रहा, यहां तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस की सदृश यहां तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस के सदृश एकांत वीरान स्थान पर जाकर गहन अवसाद के क्षणों में घिर गया। यहां तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस की तरह एकांत वीरान स्थान पर जाकर गहन अवसाद के क्षणों में हिल गया। एक अधूरी कविता की पीड़ा को समेटे हुए, एक अधूरी कविता की पीड़ा को समेटे हुए कविता जो कभी राजमहलों में कैद हो गई थी, कविता जो कभी राजमहलों में कैद हो गई थी, वो लौट आई थी सड़कों पर, वो लौट आई थी सड़कों पर, किंतु फिर से वह लौट गई, किंतु वह फिर से लौट गई मनोरंजन की दुनिया में, मंचों की ओर, जो लोगों को हंसा सके, जो लोगों को हंसा सके, गुदगुदा सके। तालियों के शोरगुल में खो गई कविता, तालियों के शोरगुल में खो गई कविता।
विदूषक की भूमिका में रह गई कविता। अब विदूषक की भूमिका में रह गई कविता, कविता की यह दशा देखकर मैं गहन अवसाद में घिर गया। कविता की यह दशा देखकर मैं गहन अवसाद में घिर गया, अतृप्त आत्मा सा भटकता रहा, अतृप्त आत्मा सा भटकता रहा अधूरी कविता को लेकर। अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए विवश होकर पराजित सैनिक की तरह आत्मसमर्पण कर दिया। सकारात्मक सोच के साथ कि भविष्य में कोई न कोई महाकवि अवश्य आएगा, सकारात्मक सोच के साथ भविष्य में कोई न कोई महाकवि अवश्य आएगा जो बेहोश पड़ी कविता को संजीवनी दे सकेगा, उसके स्वाभिमान को फिर से वापस लाएगा। किंतु रह गया मेरे दिले दिमाग में एक अधूरी कविता का गहन अवसाद, एक अधूरी कविता का गहन अवसाद। अगली कविता है परिवर्तन। तीव्र गति से निरंतर हो रहे परिवर्तन से, तीव्र गति से निरंतर हो रहे परिवर्तन से संभव है परिवर्तन के इस महाकुंभ में हम लोग भी परिवर्तित न हो जाएं, मानव से मशीन के रूप में। अगली कविता है घुसपैठ। घुसपैठ निरंतर होते जा रहे, चाहे वह हमारे रक्त संचार में हो, घुसपैठ निरंतर होते जा रहे चाहे वह हमारे रक्त संचार में हो, श्वसन क्रिया में हो, हमारी मनोदशा में हो, हमारी संवेदना में हो। घुसपैठ निरंतर होते जा रहे चाहे वह हमारे रक्त संचार में हो, श्वसन क्रिया में हो, हमारी मनोदशा में हो, हमारी संवेदना में हो, चाहे वह हमारी संस्कृति और परंपराओं में हो, हमारे जीवन शैली में हो, चाहे हमारे जीवन शैली में हो। अब इसकी जड़ें तेजी से गहराई तक फैलती जा रही है। अब इसकी जड़ें तेजी से गहराई तक फैलती जा रही है। आइए अपनी एक महत्वपूर्ण कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक लंबी कविता है, लेकिन ये लंबी कविता बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाती है आज की इस दुनिया के लिए, आज के समाज के लिए, आज की। तो आइए एक मैं अपनी इस बहुत ही महत्वपूर्ण कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रुक जाओ अस्वस्थामा। अस्वस्थामा, जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का पात्र है, जिसे भगवान कृष्ण ने अमरता का वरदान दिया था। इस अस्वस्थामा के अंदर द्वेष, नफरत, घृणा, हिंसा की भावना थी, और ये मिथक के रूप में हम जानते हैं कि अस्वस्थामा मरा नहीं है, अस्वस्थामा जीवित है। लेकिन मेरा मानना है कि अस्वस्थामा की जो सोच थी, जो चाहता था, जो नफरत, जो घृणा की जो भावनाएं थी उसकी, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आज के संदर्भ में ये बातें बिल्कुल साफ हो रही हैं। मैंने इसको इस रूप में लिया है और आप सबका ध्यान चाहूंगा। एक लंबी कविता है जो मैं पहली बार यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाभारत युग का अस्वस्थामा जीवित है, वह भीषण प्रतिशोध की ज्वाला से तजला होकर भटक रहा चारों ओर। महाभारत युग का अस्वस्थामा जीवित है, वह भीषण प्रतिशोध की ज्वाला में अधजला होकर भटक रहा चारों ओर। वह बहुत अशांत होकर, पदहाश होकर इस दुनिया में अशांति फैलाने लगा है।
इस दुनिया में शांति फैलाने लगा है, वह अपने आप को धिक्कारते हुए भी वह अपने आप को धिक्कारते हुए भी पछताते हुए भी आत्मग्लानी करते हुए भी अपनी विध्वंसकारी कारनामों से लेस मात्र भी संकोच नहीं करता। उसके अपवित्र भी इरादे उसके अपवित्र इरादे पर्वत श्रृंखला की तरह अडिग हैं, मालूम नहीं क्यों उसके प्रतिशोध और क्रोध आज तक भी शांत नहीं हुआ। मालूम नहीं क्यों उसके प्रतिशोध और क्रोध आज तक भी शांत नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। वह बदले की आग से झुलस रहा है, पहले से भी अधिक, पहले से भी अधिक उत्तेजित हो रहा है। मालूम नहीं वह कब तक रोक पाएगा अपने अंदर की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को। मालूम नहीं कब तक वह रोक पाएगा अपने अंदर की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को, हिंसा की महाटांडों को। यह संभव नहीं लगता। वह कतई पराजित नहीं होना चाहता। मुझे तो लगता है कि वह अपने इस अभियान में अभियान को विराम देना नहीं चाहता है। इसलिए तो कितनी सदियां गुजर गई, इतिहास के पृष्ठों में सिमट गई। इसलिए तो कितनी सदियां गुजर गई, इतिहास के पृष्ठों में सिमट गई, किंतु महाभारत युग का पराजित महायोद्धा अश्वत्थामा आज भी ललकार रहा है। किंतु महाभारत युग का पराजित महायोद्धा अश्वत्थामा आज भी ललकार रहा है। अब तो प्रतिशोध का विस्तार संपूर्ण दुनिया में फैल गया। अब तो उसके प्रतिशोध का विस्तार संपूर्ण दुनिया में फैल गया। इसलिए तो यह दुनिया नफरत और हिंसा के ज्वालामुखी से जल रही है। इसलिए तो यह दुनिया नफरत और हिंसा के ज्वालामुखी से जल रही है। चतुर्दिक प्रतिशोध की ही प्रतिशोध, अशांति ही अशांति। वह विक्षिप्त अश्वस्थामा अपने लक्ष्य में सफल होते देख, वह विक्षिप्त अश्वस्थामा अपने लक्ष्य में सफल होते देख, अति अहंकार से युक्त होकर हुंकार भरते हुए जोर जोर से हंस रहा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अब सफलीभूत होने जा रहा है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अब सफलीभूत होते जा रहा है। वह अपने अपवित्र लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। वह अपने अपवित्र लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि इस दुनिया में आराधकता अपने चरमोकर्ष पर है। हिंसा और नफरत की दीवारें दुनिया भर में निरंतर फैलती जा रही है। हिंसा और नफरत की दीवारें दुनिया भर में निरंतर फैलती जा रही है। इसलिए अति उत्साहित होकर जोर जोर से अट्टहास करता हुआ आज भी भटक रहा दृश्य और अदृश्य रूप में अश्वस्थामा। हे अश्वस्थामा रुक जाओ, हे अश्वस्थामा रुक जाओ, जरा अपने आप को देखो। अधजले शरीर को लेकर तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे स्वयं तुम्हारे लिए भी तो उचित नहीं है। तुम्हारे इस तरह के पागलपन से आखिर क्या कर लोगे, तुम्हारे क्या कर लोगे, तुम्हारे शरीर में उभरते घाव और उसकी पीड़ा कब तक सहन करोगे अश्वस्थामा, कब तक सहन करोगे। रुक जाओ अश्वस्थामा, रुक जाओ, तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाओ अश्वस्थामा, रुक जाओ, तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकृति के नियमों को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। दुस्साहस का प्रत्याग करो अश्वस्थामा, प्रत्याग करो। जरा दिलो दिमाग से शांत
शांत होकर तुम्हारे इस प्रतिदोष से सोचो, तुम्हारे इस प्रतिदोष से क्या मिलेगा? हमारी यह पृथ्वी अधजली हो जाएगी, हमारी यह पृथ्वी अधजली हो जाएगी, इसलिए क्रोध का परित्याग कर शांत हो जाओ। इस दुनिया को नफरत नहीं, इस दुनिया को नफरत नहीं, प्रेम चाहिए, आग नहीं फूल चाहिए। ईश्वर की अद्भुत रचना को चुनौती मत दो, अस्वस्थामा मत दो। ईश्वर की अद्भुत रचना को चुनौती मत दो, अस्वस्थामा चुनौती मत दो। तुम्हारे इस तरह के प्रतिरोध से, तुम्हारे इस तरह के प्रतिशोध से मृत्यु को प्राप्त होंगे इस धरती के लोग, तुम्हारे इस तरह के प्रतिशोध से मृत्यु को प्राप्त होंगे इस धरती के लोग। ठहर जाओ अस्वस्थामा, शांत हो जाओ। इस हिंसा के खेल में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लोगे तो इससे क्या हो जाएगा? इस दुनिया को बर्बाद करने से तुम्हारी छटपटाहट और भी बढ़ जाएगी। इस दुनिया को बर्बाद करने के तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हारी छटपटाहट और भी बढ़ जाएगी। अपनी कुलसित मनोभावना का परित्याग कर अब शांत हो जाओ। अपने कुलसित मनोभावना का परित्याग कर अब शांत हो जाओ। अपने पवित्र लक्ष्य से मुक्त हो जाओ। शायद तुम प्रतिशोध की ज्वाला से अपने आक्रोश की प्रकाशा छू लेने की तुम्हारी ये कोशिश इस धरती के लिए, इस पर विचरण करने वाले जीव जंतुओं के लिए कितना घातक होगा, इस तथ्य को समझने की कोशिश करो। इस तथ्य को समझने की कोशिश करो। इस धरती के करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं की बद्दुआओं से तुम्हारे अंग प्रत्यंग, इस धरती के करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं के बद्दुआओं से तुम्हारे अंग प्रत्यंग कुष्ठ रोग से और भी भयावह हो जाएंगे। अंततः तुम्हारी आंखों से प्रतिशोध की ज्वाला कब तक शांत हो पाएगी, कब तक शांत हो पाएगी? अपने विवेक का उपयोग करते हुए जरा सोचो तो संस्थामा, जरा सोचो। कुछ भी तो कष्ट से में ही हो, तुम भी तो कष्ट में ही हो और दुनिया को भी कष्ट दे रहे हो, तुम भी तो कष्ट में भी हो, दुनिया को कष्ट दे रहे हो, लेकिन नहीं सोच रहे हो, अपने अहंकार और जिद पर अड़े हो। अस्वस्थामा, जरा स्मरण करो उस महाभारत के प्रलयकारी महायुद्ध को। अस्वस्थामा, जरा स्मरण करो उस महाभारत के प्रलयकारी महायुद्ध को। क्या मिला? राजसत्ता के लालच में धृतराष्ट्र को, वह अपने 100 पुत्रों के भौतिक शरीर को नहीं देखा होगा। वह अंधा धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के भौतिक शरीर को नहीं देखा हो के अंबार को, जो युद्ध भूमि में सड़ गल गए होंगे अपने पुत्र मोह की पराकाष्ठा, अन्याय के चरम सर्मोकर्ष पर पहुंचकर उस अंधे धृतराष्ट्र को क्या मिला? क्या मिला? वह किसी से छिपा नहीं है, अन्याय के विरुद्ध मौन रहने वाले महाप्राक्रमी भीष्म पितामह को, अन्याय के विरुद्ध मौन रहने वाले महाप्रक्रमी भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर शयन करना पड़ा। इस महाभारत काल के महाप्रलय कारी युद्ध से सीख लो अस्वस्थामा, मान जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अस्वस्थामा, शांत हो जाओ। मेरी चेतावनी को ध्यान से सुनो अस्वस्थामा,
आत्मसात करो तुम्हारे इस शरीर के पवित्र और काले कारनामों से, दुनिया भर में हिंसा फैलाने से, महातांडव से, हिंसा के महातांडव से जल उठेगी हमारी पृथ्वी। इसके सत्य को तुम जानते हो, इसके साथ तुम भी जलोगे स्वस्थामा, किंतु तुमने तो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु भी नहीं मिलेगी, किंतु तुम्हें तो मृत्यु भी नहीं मिलेगी। श्वास लेते अपने कोयले जैसे कुरूप शरीर को लेकर कितना तड़पन की कामना है करोगे, कितना तड़पोगे स्वस्थामा, ना समझ और हठ धर्मी अस्वस्थामा। सौ से पट जाएगी धरती, यह अनर्थ अब मत करो। आखिर कब तक तुम्हारे अतिशय क्रोध का दवानल शांत होगा? आखिर कब तक मिलेगा इस दुनिया को युद्ध से मुक्ति? आखिर कब तक मिलेगा इस दुनिया को युद्ध से मुक्ति? यही उपयुक्त होगा इस दुनिया के लिए और सबके लिए तुम्हारे अपवित्र लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अहंकार कर सकते हो। तुम अपने अपवित्र लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर अहंकार कर सकते हो, अट्टहास कर सकते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अमर हो, महाभारत युग से लेकर आज तक तुम तो अमर हो, महाभारत युग से लेकर आज तक। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो अस्वस्थामा, स्वीकार करो, अपने हिंसात्मक कार्यों से मुक्त हो जाओ। इस इंद्रधनुष सदृश इस रंगीन दुनिया को अब और अधिक बदरंग मत बनाओ स्वस्थामा, बदरंग मत बनाओ। मैंने तुम्हें कई प्रकार से समझाने की कोशिश किया है, अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। इसलिए छोड़ दिया है तुम्हारे विवेक पर अस्वस्थामा, तुम्हारे विवेक पर। इस महत्वपूर्ण कविता के उपरांत मैं एक और कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज दुनिया के देशों में प्रलयकारी युद्ध हो रहे हैं और इस युद्ध में आज शहर उजड़ रहे हैं, हजारों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं और इस युद्ध शासकों के अहंकार से होते हैं, लेकिन इस युद्ध में सैनिक और आम जनता अपने प्राणों की आहुति देते हैं। हम है शोक गीत। इस अंधेरी काली रात में कौन गा रहा शोक गीत? इस अंधेरी काली रात में कौन गा रहा शोक गीत? करुणा और वेदना के अस्थाई भाव से ओतप्रोत कौन गा रहा शोक गीत? करुणा और वेदना के अस्थाई भाव से ओतप्रोत आखिर क्यों अब शोक गीत गाने की आवश्यकता पड़ी है? अब संभवतः शोक गीत को गाने वाले अच्छी तरह से समझ गए हैं इस पृथ्वी का भविष्य, अपने महत्वाकांक्षा के अहंकार से भूल गए हो कि एक दिन इस दुनिया में इस इन प्रलयकारी हथियारों से विश्व युद्ध हुए तो धू धू कर जलेगी हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया, धू धू कर जलेगी हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया, सिर्फ बचेगा राख। अभी समय शेष है, सचेत हो जाओ, नहीं तो
शोक गीत गाने का सिलसिला चलता रहेगा, नहीं तो शोक गीत गाने का सिलसिला चलता रहेगा। आइए और पटकथा क्यों, एक और पटकथा क्यों इस बदरंग होती दुनिया के लिए, क्योंकि कुछ लोग मुखौटे लगाए बेधड़क घूम रहे हैं सड़कों पर। एक और पटकथा क्यों इस बदरंग होती दुनिया के लिए, क्योंकि कुछ लोग मुखौटे लगाए बेधड़क घूम रहे सड़कों पर और ढोल पीट रहे आदर्शवादी और नैतिकता के, नैतिकता को आत्मसात कर लेने का विरंग मंच के परंपरागत कलाकार हैं जो अभिनय में निपुण हैं, विरंग मंच के परंपरागत कलाकार हैं जो अभिनय में निपुण हैं, उनके पास ऐसे शब्द हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदना को बंदी बना लेते हैं। विरंग मंच के परंपरागत कलाकार हैं जो अभिनय में निपुण हैं, उनके पास ऐसे शब्द हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को बंदी बना लेते हैं। हम लोग अज्ञानता का मसाल लिए नारे ही लगाते रह जाते हैं, हम लोग अज्ञानता का मसाल लिए नारे ही लगाते रह जाते हैं। उनके पास प्रवचन के शब्दों की लंबी सूची है, उनके पास प्रवचन के शब्दों की लंबी सूची है, उनके सम्मोहन में फंसकर हमारे हमारी आंख कान और जुबान इस सभी आत्मसमर्पण कर दिए हैं, उनके सम्मोहन में फंसकर हमारी आंख कान और जुबान इस सभी आत्मसमर्पण कर दिए हैं और हम लोग मुखदर्शक की भूमिका में चुपचाप बैठ गए और हम लोग मुखदर्शक की भूमिका में चुपचाप बैठ गए हैं। ऐसे समय में एक और पटकथा न लिखते हुए मौन रहना आत्मसमर्पण जैसे ही है, ऐसे समय में एक और पटकथा न लिखते हुए मौन रहना आत्मसमर्पण समर्पण जैसे ही है, ये कहाँ तक न्याय संगत है कि ऐसे भयावह दिनों में जब कविता की भूमिका गौण हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए और कविता कलावाद का परिधान पहनकर अपने क्षणिक महत्वाकांक्षा के लिए उसके शब्द समझौता कर ले, चारण और भाट की तरह विश्वगान करते रहे, इससे अधिक अंधकार और क्या हो सकता है इस बदरंग होती दुनिया के लिए, जहां उनके महानता के उद्घोष हो रहे हो, जहां उनके महानता के उद्घोष हो रहे हो, जहां सत्य असत्य के चक्रव्यूह में फंस गया हो, जहां सत्य असत्य के चक्रव्यूह में फंस गया हो, ऐसे समय जब कविता मौन हो जाए इस बदरंग होती दुनिया में, इस बदरंग होती दुनिया में जहां बुद्धिजीवी अपने अपने विचारधारा के अंधभक्ति में फंसकर, जहां बुद्धिजीवी अपने अपने विचारधारा के अंधभक्ति में फंसकर गहन निद्रा में सो गए हो, उनकी उपयोगिता नगण्य होती जा रही हो, समय भी देख रहा है उनके नकारेपन को, समय भी देख रहा है उनके नकारेपन को, ऐसे संवेदनशील समय में कविता की उपयोगिता गौण हो जाए, ऐसे समय में एक और पटकथा न लिखकर मौन हो जाना कितना उपयुक्त है। कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, गीतों के प्यार भरे तराने नहीं है, मॉडर्न पेंटिंग की तरह नहीं होती है कविता, कविता तो युग बोध की उद्घोषक होती है, कविता तो युग बोध की उद्घोषक होती है। धन्यवाद।